इनका ये यहाँ पर इनकी इनाग्रेशन इनका ये आज दिन बन रहा है। इन्होंने बड़ी बलिदान दिया है। कोई जब मिलिटेंट अटैक हुआ था वो इस होटल में एक कोई छुप गए थे, उनको रेस्क्यू करने के लिए निकालने के लिए उनको बुलेट इंजरी हुई थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ये यादगार है, ये उनका दिन जो बन रहा है ये हर साल बनता है। और पुलिस फोर्स जो बनवाती हैं और हम लोगों का पूरे सिटीज़न का म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शहीदी दिवस सरदार मनजीत सिंह जो डीआईसी उस वक्त थे यहाँ पे, उस दिन का दिन को उनकी याद को ताज़ा करने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये एक जो दर्शाता है कि जो लोग देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं उन्हें दूर तक दुनिया याद रखती है। यहाँ ये स्मारक उनकी याद में बनाया गया था। ये भी इस बात को दर्शाता है कि आइंदा जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये नाम रहेगा कि वो शख्स जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए यहाँ पे ये जो साथ में आनंद होटल है या बस स्टैंड पे यहाँ पे मिलिटेंट्स ने थोड़ा अटैक किया था जिसके नौ आदमी जाने गई। तो आज जिनको याद करता हूँ यहाँ से मेहनत करते हैं कि परमात्मा आत्मा को शांति दे और हमें देखिए हम सभी लोग इसके आगे आगे चलते DYSP शहीद मनजीत सिंह जी की 20वीं बरसी जो है वो यहाँ पर मनाई जा रही है। आज ही के दिन 14 मार्च सन 2003 को आशूरा के दिन जिस दिन यहाँ पर आशूरा का जुलूस था और जैसे ही आशूरा का जुलूस जो है सिटी चौक पूंछ में पहुँचता है जिसकी अगुवाई खुद DYSP मनजीत सिंह जी कर रहे थे तो अचानक पूरे पूंछ में जो है गोलियों की बौछार की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही हम लोगों को ये मालूम हुआ कि शहीद मनजीत सिंह जी जो जुलूस की अगुवाई करते थे तो ऐसे दहशतगर्दों को जो टेररिस्ट जुलूस के ऊपर अटैक करना चाहते थे और पुंछ में जो है बदमनी पैदा करना चाहते थे उनके साथ लड़ते हुए इसी जगह पर जो है उन्होंने अपनी शहादत दी और मुल्क की सालमियत के लिए मुल्क की बका के लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति देते हुए ये मिसाल दी कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है हमेशा जो है वो मुस्तैदी से काम करती है और जब भी ऐसी आपदा आती है तो वो अपनी जान देकर ना कि सिर्फ नौजवानों को बेगुनाहों को बचाती है बल्कि अपने मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जान और प्राणों की आहुति भी दे सकती है। आपको पता ही है कि आज के ही दिन 2003 में शहीद हुए थे हमारे जो मनजीत सिंह जी जो मेरे बैचमेट भी थे और देश को एक उन्होंने इस किस्म की शहादत दी कि सभी जो लोग थे पुंछ के उस समय महातम छा गया हुआ था। आज हम जहां सारे एकत्रित हुए हैं उसकी शहादत को याद करने के लिए सबसे पहले मैं उनके परिवार वालों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो है वो सांत्वना देता हूं। हमें याद होगा कि ये जो वाडा डिस्ट्रिक्ट है मिलिटेंसी में बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टेड रहा है तो जहाँ उन्होंने जो है इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में सेवाएं देते हुए शहादत प्राप्त की इसके लिए जो है वो पुंछ के लोग और पूरे देश के लोग जो उनकी शहादत को हमेशा याद रखेंगे। हर साल जहाँ उनके उनके इसी दिन के उपलक्ष पर जो है जहाँ के जो लोग हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जहाँ एकत्रित तो होते हैं और उनकी शहादत को याद करते हैं आज भी उसी सिलसिले में जहाँ याद किया जा रहा है मैं एक बार फिर अपनी ओर से और पूरी डिस्ट्रिक्ट की ओर से उनके परिवार वालों के साथ जो है अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज शहीद मनजीत सिंह जी DYSP JKPS ऑफिसर 99 बैच आज के दिन सन 2003 में वो मिलिटेंटों से आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे उन्हीं की याद में आज दिन मनाया जा रहा है और जिला पुलिस पुंछ जम्मू व कश्मीर पुलिस भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही है आज उनकी शहादत पर। और उनके साथ साथ आज SC हेड कांस्टेबल मनोहर लाल भी शहीद हुए थे उसी ऑपरेशन में उनको भी शहादत हम सलाम कर रहे हैं और उनके परिवार और हमारे जितने परिवार हैं। जम्मू व कश्मीर पुलिस का एक इतिहास रहा है बलिदानों का और आप देखिए ऐसे हमारे बोर्ड्स हैं जिला पुलिस पुंछ में 118 लोगों ने अपनी शहादत का जाम पिया है और मुल्क के लिए देश के लिए भी जान दी है। आज के दिन ऐसे प्रोग्राम के माध्यमों से हम अपने शहीदों की कुर्बानी को याद करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं पुंछ के अवाम के निवासियों का जिस तरह से बढ़ चढ़ के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सोसाइटी के लोग आए हैं इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और जो डिफरेंट फोर्सेस के लोगों ने भी जिनको आज हमें ज्वाइन किया है इससे हमारा वकार
और हमें और आगे अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। एक बार दोबारा इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ जम्मू व कश्मीर पुलिस, पुंछ पुलिस हमेशा उनके साथ है, अपने शहीदों के परिवारों के साथ। और जम्मू व कश्मीर पुलिस, भारतीय जो हमारी फोर्सेज हैं, अपने जो फर्ज है, अपना कर्तव्य है, उसको निर्वाह करने में हर किसी के हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। जय।